हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्रीकाल आप तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो मेरा स्वागत करता हूँ आप सभी के एक और नए कमाल प्लस वीडियो में। दोस्तों अभी हमारा एनर्जी काफ़ी डाउन लग रहा है बिकॉज रात को आपने देखा है कि कैंपिंग अपन की था, हमारे साथ क्या क्या हुआ था। परसों रात को ही खाना खाया था, कल भर दिन कुछ नहीं खाया है और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया था कल रात को, और अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अगला डे है और अभी तक कुछ नहीं खा पाया हूँ बिकॉज भाई काफ़ी अधिक तबीयत भी खराब थोड़ा सा लग रहा था। और प्लस में आपने देखा कि विद्या के साथ क्या क्या हुआ, कितनी घटनाएं हुई। हम लोग जो है ना पुलिस स्टेशन में भी गए, चर्च में भी गए, मंदिर में भी गए, एक फैक्ट्री था वहाँ भी गए। हम लोगों को कोई भी रात को रुकने नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय रूप से काम करते हैं। पुलिस वाले भी हम लोगों को वहाँ पे रुकने से मना कर दिया कि वहाँ पे आप नहीं रुक सकते, यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ कुछ हो जाएगा तो हम SP को कौन जवाब देगा, ऐसा बोल रहा था पुलिस वाला, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा। और अभी भाई अपन वहाँ से आगे निकल चुके हैं, करीब हम लोग 10 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। वहाँ यहाँ पे एक नदी देखे तो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए अपन रुक गए थे, क्या करेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आगे शायद सब लोग चले गए हैं विद्या भाई को लेकर के हॉस्पिटल में दिखवाने के लिए, एक्सरे करवाने के लिए। पता नहीं यार ये जो ट्रिप है ना, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है इस ट्रिप है ना, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो गया भाई। ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं था, इतना ज़्यादा डर कभी मुझे नहीं लगा था जितना डर रात को लगा था, क्योंकि भाई आतंकवादी वगैरह आप समझ रहे हो ना कि अगल बगल में पूरा का पूरा जंगल है। अपन रात को मतलब छत पे टेंट इसलिए लगा के रहते ना क्योंकि यहाँ पे हाथी वाथी बहुत आता है, समझे ना, बगल में ही प्राण का बॉर्डर पूरा जंगली इलाका ही है, इसीलिए रात को ऊपर में टेंट लगाए थे। और पता नहीं ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ कि विद्या भाई के अंदर कुछ कोई ना कोई आत्मा घुस गया और उसको लेके नीचे चला गया, मतलब कि उसको गिरा दिया ऊपर से, कूद गया वो। और उसको कूदने के बाद भी उनको पता ही नहीं था कि मैं नीचे कैसे आ गया, मैं कूदा कैसे, कुछ उनको पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अपन चलते हैं जल्दी से क्योंकि भाई लोग आगे निकल गया है। जिस जगह पे भी अपन फ्रेश होने के लिए आए थे, यहाँ पे देखो नदी है बहुत बड़ा और यहाँ पे देखो काफ़ी अधिक मात्रा में लाश को जलाया जाता है। ये सारे देखो यहाँ पे लाश जलती है भाई, इधर भी एरिया मतलब कि सुनसान है, रात को इधर रहना ठीक नहीं है। और क्या कहें यार, इस ट्रिप पर ना समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या मैनेज करूँ नहीं करूँ, सारा मुसीबत भाई एक ही साथ आना था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यहाँ पे जो है ना हमारा फ़ोन ही काम करना बंद कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और शायद हैंग कर गया है कि क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। फ़ोन तो ऑन है, वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन, लेकिन स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रहा है। और भाई लोग पता नहीं आगे निकल गए कि पीछे गए, हमको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए वो लोग। हेलो हाय, रात को आप पीछे रुके थे क्या ओ, मंदिर में? हाँ, नहीं मेरा दोस्त लोग गया था ना। ओ अच्छा, हाँ आया था आपका दोस्त। हाँ मेरा दोस्त लोग ही था। हाँ हम लोग बिहार से हैं। तो आपका दो दोस्त आया था, एक पैर में जोर आया था, चोट लग गया था उसको। कहाँ आप जा रहे इधर? मैं तो अभी अपार्टमेंट जा रहा हूँ, डिब्रूगढ़। कहाँ से आ रहे हैं? गुवाहाटी। रात को वहाँ कोई दिक्कत हुआ रुकने में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ठीक है? हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ? ये बाइक पंचर हो गया, इसके बाद हम लोग 3-4 मंदिर में गए, मंदिर में नहीं रुकने को दिया, फिर चर्च में गया तो चर्च में भी नहीं रुकने दिया, फिर पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन में भी नहीं रुकने दिया, पुलिस में नहीं दिया। रात को 12 बज रहा था, उसके बाद वहाँ यहाँ पे ना उन्होंने पुलिस वाला बोला कि यहाँ पे ये टेररिस्ट एरिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं रुकने दूंगा, टेररिस्ट एरिया है, टेररिस्ट अटैक होता है। हाँ तो इसके बाद उन लोगों ने होटल का एड्रेस दिया 20 किलोमीटर आगे का उधर, लेकिन मेरा बाइक तो पंचर था ना ये पीछे का टायर, तो पंचर हो गया। हाँ पता नहीं उसी समय पंचर हो गया। मेरा दोस्त छत पे कैंपिंग किया था ना, जहाँ पे पीछे नदी के पास छत था उस पे कैंपिंग किया, मेरा दोस्त छत पर से गिर गया था, अरे रात को, तो इसलिए पैर टूट रहा था, वो तो बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन 20 फीट ऊंचा छत था वहाँ से गिर गया था। कैसे गिर गया मतलब? पता नहीं कुछ पैरानोमिकल एक्टिविटी वहाँ पे हुआ था, बहुत टाइप का, मतलब ऐसा कुछ उसको, मतलब वो अचानक गया, बात नीचे बात करता था ऊपर चाक के कूद गया अचानक, उसको समझ भी नहीं आया क्या उसको साथ क्या हुआ, इतना गंदा सच में हम लोग फंस गए थे। इसके बाद ना हम लोग गए एक जो है ना मुझे स्कूल दिखा, वो अंदर में था, तो उसमें चुपचाप जाकर के गाड़ी लगा के टेंट लगा के सो गया चुपचाप, मतलब किसी को बोला भी नहीं वहाँ पे। रात को ना बहुत लोग मिल रहे थे, कुछ अजीब लग रहा था। अभी आपका दोस्त कहाँ गया? अभी वो आगे देखे, आप आगे निकला है क्या? मेरा ना अभी पता नहीं, मेरा टाइम पूरा चल रहा है, मेरा ना फोन भी खत्म ये खराब हो गया है, अभी वो आगे निकला था मेरे से, फोन भी नहीं ऑन हो रहा है, हम ना गंदा सिचुएशन में फंस गए हैं। चावल मिल जाएगा? अच्छा भेज ना, भेज खाना या? भेज खाना, चावल दाल सब देगा, रोटी भी है क्या? रोटी है ना, रोटी पराठा भी होगा, तब तक बनाऊंगा ना। अभी ये बना हुआ है ना पराठा, तो वो आप मुझे खिला दीजिए ना, आप मुझे पराठा खिला दीजिए। दोस्तों अभी हम लोग उदालगिरी पहुंच गए हैं, उदालगुड़ी भाई ये डिस्ट्रिक्ट टाउन है, इसलिए यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल वगैरह भी है। नवनीत भाई गए हैं लेकर के विद्या भाई को और गोपाल भाई एक्सरे करवाने के लिए, वहाँ पे अभी समय लगने वाला है, इसलिए अपन जल्दी से यहाँ पे होटल ढूंढ लेते हैं बिकॉज भाई हम लोग जो है ना काफी अधिक थक गए हैं, काफी अधिक परेशान है, तो बाहर में कैंपिंग करना भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अपन चलते कहीं पे होटल ढूंढते हैं, होटल में पहले स्टे करते हैं भाई, इसके बाद अपन सोचेंगे क्या करना है। एक मूवी में देखा था तेजपुर के बारे में, तेजपुर में काफी खतरनाक जगह
कहा गया था मूवी में भाई, ऐसा मुझे लगा कि बस मूवी में, रियल में भाई ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। बहुत अधिक यहाँ पे आसाम के अंदर टेररिस्ट वगैरह का एक्टिविटीज रहता है। देख रहे आप जगह जगह पे जो है ना फोर्स की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती है, पुलिस वाले ना कुछ नहीं करते, पुलिस वाले कोई हेल्प नहीं करते हैं, पुलिस वाले खुद ही डरते हैं। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं उदलगुड़ी और यहाँ पे जो है ना भाई अपन रूम ले लिए हैं, पांच लोग एक ही रूम में हम लोग है, बहुत बड़ा ही बड़ा रूम है और ये रूम हमें मिला है 1500 रुपए का पर डे के हिसाब से। भाई करीब 40 किलोमीटर दूर अपन आए होंगे जहाँ से, वहाँ से जहाँ पे अपन रात को कैंपिंग करने का प्रयास किए थे और कैंपिंग भी किए थे। और ये है हमारा आज का होटल रूम, बहुत ही बड़ा है, 5 बेड इसमें लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और एक बेड इधर भी है, 5। आज का जो हम लोगों का होटल रूम है ना काफ़ी बढ़िया है और हम लोग फाइनली 4-5 दिन के बाद होटल लिए हैं और 4-5 दिन हम लोग कैंप में ही रहे थे, टेंट में ही रहे थे। वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक वॉशरूम है कह सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते सबसे पहले अपने क्या किए, कपड़ा साफ किए, कपड़ा साफ करने के बाद नहाए हैं, फ्रेश हो गए हैं, तब जाके थोड़ा सा मन हल्का हुआ है और अच्छा लग रहा है पहले से। हाँ तो फिर से मैं बता दूं कि अपन अभी उदलगुड़ी असम में है और यहाँ पे जो है ना इस टाइप का घर है, इस टाइप का माहौल है। यहाँ पे देखिए सूर्य देवता जो है डूबने वाली है और यहाँ पे बादल लगा हुआ है आसमान के ऊपर, माहौल तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है बट थोड़ा सा यहाँ जो लोगों का जो बिहेवियर है ना पता नहीं, थोड़ा सा मतलब हमें टांग लग रहा है बिकॉज काफ़ी अधिक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप किसी होटल में भी रहने के लिए जाओ ना तो वहाँ पे काफ़ी अधिक पूछताछ करते हैं, आईडी भी लेते हैं और हर एक पर्सन का एंट्री करवाते हैं, कारण अभी को आपको पता ही होगा यहाँ पे काफ़ी अधिक, वैसे कहना नहीं चाहिए बट मुझे ऐसा लगता है और जैसे कि लोगों ने बताया यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है ना काफ़ी अधिक होता है भाई, इसीलिए यहाँ पे इतना अधिक रेस्ट्रिक्शन होता है सभी जगहों पे। खाना यहाँ पे उतना महंगा नहीं है, खाना तो सस्ता है, 60-70 रुपये, 80 रुपये आपको मिल जाएंगे एक टाइम का खाना। और यहाँ से अपन कुछ दूर के बाद जाएंगे तो अपन अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाएंगे, बगल में भूटान का बॉर्डर भी है। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का घर लोगों का है, हाँ लकड़ी का घर यहाँ से स्टार्ट हो गया है, देखे ऊपर में चदरा दिया हुआ है और लकड़ी का घर है। और ये जो सारा कपड़ा देख रहे हैं ना सब भी हमारा ही कपड़ा है, हमारा और भाई का कपड़ा है, ये सारे कपड़ों को अपन आते ही साफ कर दिए हैं और डाल दिए बिकॉज भाई धूप जाने के बाद ये मुश्किल हो जाएगा इसको मतलब सुखाना, डेट्स व्हाई अपन जल्दी से इसको साफ कर दिए हैं। और भाई ये जो जर्नी है ना काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भरा हो गया है और पता है ऐसा एडवेंचर जो है ना किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा, जो कि मेरा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इस टाइप का एडवेंचर किसी ने नहीं किया होगा और भगवान करे कि किसी के साथ ऐसा हो भी नहीं कि एक बंदा 1 मंजिल यानी कि 20 फीट, एक मंजिल बहुत ऊँचा पे था, 20 फीट ऊँचाई पर लगा था, वहाँ से नीचे गिरता है। और भगवान का प्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बच गया, बस उसके पैर में चोट लगा है, अभी अभी एक्सरे करा के वो आ गए हैं और एक्सरे में बस ये रिपोर्ट आया है कि एक्सरे में उसका कोई हड्डी वड्डी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, केवल और केवल चोट लगी है। भाई छोटा मोटा चोट भी तो क्या कहते हैं 3-4-5 दिन 10 दिन तक दर्द करता है, वो तो 20 फीट ऊंचा से गिरा है तो अभी दर्द उनको काफी हो रहा है। फिर से अभी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए हैं नवनीत भाई और गोपाल भाई, 2-3 दिन से जो है ना मैं भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा था पता नहीं क्यों, बट एक बात तो भाई कन्फर्म है इस राइड से जो चीज़ हमारे साथ 3-4 दिन में हुआ है इससे हमें ये सीख मिलता है, हम लोगों को ये सीख मिला कि भाई कभी भी जब आप अनजान जगह पे जाते हो तो कभी भी हाईवे मत छोड़ना, हाईवे से होके ही गुजरना है, चाहे 100-200 किलोमीटर ज्यादा बाइक क्यों ना चलाना पड़े, हाईवे से होकर गुजरना है। हाईवे में क्या होती है कि आपको संसाधन मिल जाती है, रहने को जगह भी मिल जाता है, खाने को खाना भी मिल जाता है। हम लोगों ने गलती कर गए, गाँव होके गाँव देखने के चक्कर में गाँव होके आ गए और पता ही नहीं था कि ये गाँव कैसा है, नहीं है क्या है नहीं है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे फंस गए थे। बाकी हम लोग अभी उदलगिरी के डिस्ट्रिक्ट टाउन में है तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, क्योंकि यहाँ पे भाई सिटी है तो सिटी में हम रह सकते हैं, सेफली रह सकते हैं। देखते हैं आगे तबाही यहाँ से करीब 350 किलोमीटर के आसपास होगा तो अपन यहाँ पे 1-2 दिन स्टे करने के बाद अपन यहाँ से निकलेंगे और देखेंगे जहाँ पे अच्छा जगह मिलेगा ना वहीं पर अपने कैंपिंग करने के, वरना हम लोग कोई होटल देख लेंगे, क्योंकि भाई सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, सभी भाइयों का तैयारी करके हम लोगों को निकलना चाहिए था और बढ़िया से मेंटली प्रिपेयर होकर। और अभी विद्या भाई है ना उसको मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि वो यहाँ इस राइड को कंटिन्यू कर पाए, वरना बैक टू होम जाना पड़ेगा उनको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो है ना काफी बढ़िया नींद आया हमें और फिर अभी अपन है उदलगिरी के अंदर, उदलगिरी नहीं उदलगुड़ी के अंदर, और यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह देख लीजिए गोपाल भाई जो है ना अपना सिलेंडर निकाल लिए है और बनाने वाले हैं चाय, दूध भी आ गया है। अच्छा वो बोले दूध क्या हो गया, डब्बा वाला रखा हुआ है पहाड़ में पीजिएगा दूध, डब्बा वाला देख रहे हैं, डब्बा वाला दूध पहाड़ में पियेंगे गोपाल भाई, थोड़ा पानी मिला दीजिए। सत श्री अकाल, चाय बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे जो है ना गोपाल जी चाय छानते हुए छानी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाय पीना चाहते हो तो आज जल्दी से गोपाल जी पिला रहे हैं अपने नरम नरम हाथों से, है ना गोपाल जी,
दूसरे स्ट्रीट में जो है ना चाय बनना स्टार्ट हो गया हमारे ग्रुप में, बिकॉज अभी तक अपन दूध पी के रह रहे थे, मजाक कर रहा हूँ, अभी तक जो है ना बाहर में अपन चाय पी रहे थे दुकान में, बट ये पहली बार अपन अपने गैस पर दूध बनाए चाय बनाए है और साथ में ब्रेड भी है भाई। यहाँ जो है ना उदालगुड़ी असम में है और यहाँ पे जो है ना दो दिन स्टे करने वाले हैं, बिकॉज भाई लास्ट 5 डेज से अपन कैंपिंग ही कर रहे थे और काफी थक गए थे, काफी अधिक मतलब एंजाइटी टाइप का हो गया था और बहुत ही टेंशन था, इसलिए यहाँ पे दिल्ली से आ गए हैं रेस्ट करने के लिए, दो दिन यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। सीपी भाई के हाथ का चाय पी के दूध की याद आ गई, सीपी भाई समझेंगे। सब्सक्राइब एनएस ब्लॉग्स 21। दोस्तों इस वाला ब्लॉग को एडिट करते करते जो है ना अपन यहाँ पहुँच गए, अपन अभी आंध्र प्रदेश के अंदर है और अपन आसाम से एंटर कर गए मध्य प्रदेश, जो कि आप अगला वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है ना भाई लास्ट में हम लोग हंसते हैं, बाद बाकी पूरा का पूरा जो दिन था हमारा ना, दो तीन दिन चार दिन जो समय हम लोगों का था गुजरा हुआ समय था, काफ़ी खराब गुजरा था, काफ़ी अधिक परेशानियों का अपने सामना किए थे, इसलिए कहीं पे हंसी आ ही नहीं रही थी और बॉडी में एनर्जी भी बहुत ही कम था। तो चलिए अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे से व्लॉग्स के साथ, के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।